नीचे और नीचे करना हाथ की। तो गाइस जो है ये अंडे हैं, अभी इनको उबाल लिया जाएगा अंडा कड़ी बनाने के लिए। अंडों को उबाल लिया जाएगा। गाइस अभी आप देख पा रहे हो अंडे जो है उबलने के लिए रख दिए हैं। ओ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल टेस्टी सब्जी अंडा कड़ी कैसे बनाए आपको पूरा पता चलने वाला है इस ब्लॉग में। हमारी जो सब्जी है चार जने के सर्विंग के हिसाब से बन रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं 1.5 प्याज, 2 लहसुन और ये कुछ हरी मिर्च और 3 टमाटर ले लिए हैं और जो है धनिया। तो हमने ये सब ले लिया और आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जितने लोगों के लिए हम कर रहे हैं तो ले सकते हैं। और ये जो है हमने इसके अंदर मीट मसाला बुलवाया है जो कि अंडा कड़ी के अंदर डालेंगे, जिससे जो अंडा कड़ी का स्वाद है वो बढ़ जाएगा। पा रहे होंगे ये जो लहसुन है छिला रहे हैं और सब मिक्सर में जा रहे हैं। प्याज भी मोटा मोटा कट के इसमें जाएगा और फिर इसका जो है लहसुन प्याज का पेस्ट बनेगा। इसमें अदरक भी डालेंगे, इसमें गाइस थोड़ी सी अदरक भी डालेगी तो जिससे जो स्वाद है। तो गाइस ये आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर अदरक प्याज मिर्ची है जिसे अब पीसा जा रहा है, इसका जो है पेस्ट बना जाएगा अंडा कड़ी का। तो ये इसको पीस लिया जाएगा अभी मिक्सर के अंदर और अंडा कड़ी का जो है ग्रेवी का पेस्ट तैयार होगा। देख पा रहे आप जो पेस्ट है वो बनके तैयार हो गया है, जो अंडा कड़ी है उसका जो है पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अदरक प्याज लहसुन का बिल्कुल होममेड पेस्ट है ये, टेस्टी। अभी अभी आप अंडे देखते हैं, हम उबल गए होंगे। अंडे को उबलने का जो कार्यक्रम चल रहा है तो जैसे अंडे उबलते हैं फिर गाइस अभी आप अंडे देख पा रहे होंगे ये उबल गए हैं, तो ये थोड़े से ठंडे हो जाए फिर हम इन्हें फोड़ लेते हैं। तो गाइस अभी अंडे चिल्ला रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, मेरा हाथ तो आ गई। बस जो है अंडे चिल्ला रहे हैं देख पा रहे होंगे, और हमारे वाइफ के अंडे छिलने की स्पीड बहुत तेज है। हम भी छिलते थे लेकिन हमारी स्पीड थोड़ी कम है, इसलिए हमारी वाइफ ने इसका मोर्चा संभाल लिया अंडे छिलने का। अभी हम अंडे जो है हमारे छिला गए हैं आप देख पा रहे होंगे, तो अभी अंडे को जो है तलने का काम करेंगे हम। तो तलने के लिए हमने इसके अंदर ले लेंगे अंडों को और फिर डायरेक्ट तेल में उतार देंगे। तो भाई ये देख लीजिए इस तरीके से जा रहे हैं तलने के लिए। तो भाई ये जो अंडे हैं तला रहे हैं हम, तल के बनाते हैं अंडा कड़ी। अगर आपको कच्चे पसंद है तो आप अंडे कड़ी में जो अंडे हैं वो कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें तले हुए पसंद है इसलिए हम इसमें जो तले बनते हैं। जो अंडे हैं वो तला रहे हैं मस्त तरीके से, आप देख पा रहे होंगे पूरे लाल होने तक तल रहे हैं हमें अंडों को। उससे अच्छे से तला नहीं रहे थे जारे के अंदर, तो हमने तेल में डाल दिए अंडे। आप देख पा रहे होंगे आप अंडे पूरी तरीके से लाल हो रहे हैं और मस्त हो रहे हैं। इसी तरह सारे अंडों को हम लाल तल लेंगे। तेल जो अंडा तला था तलने के बाद, ये देख लीजिए अंडे जो तला गए थे उसके बाद जो तेल बचा था उसके अंदर पहले हमने जो पत्ते तेजपान के पत्ते और राई जीरा डाल दिया है, और तेजपान के पत्ते राई जीरा डालने के बाद जो ग्रेवी आपके सामने पीसी थी वो डाल दी। आप देख पा रहे हैं हमने अंडा कड़ी बनाने की यहाँ पर मस्त टेक्निक चल रही है, और ये जो है वीडियो बन रहा है अंडा कड़ी का। आप देख पा रहे होंगे जो ग्रेवी तैयार हो रही है इसके अंदर तेजपान के पत्ते और क्या क्या है, काली मिर्च और खड़ा मसाला है, और जो पेस्ट बनाया था वो और राई जीरा है और पेस्ट मसाला पूरा डाल देते हैं सब्जी, जिससे सब्जी में बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं गूंजेंगे अपन, कितनी देर तक गूंजेंगे, 5 मिनट। तो गाइस इसके अंदर खड़ा गरम मसाले और काली मिर्ची तेजपान के पत्ते और ग्रेवी डाल दिए राई जीरे को तेल में तल के, और अब इसे 5 मिनट तक गूंजेंगे तेल डाल के। इसमें डाल दिए 1 चम्मच हल्दी, और गाइस इसमें भी डाल दिया नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच। तो हल्दी डालने के बाद मसाले को पकाएंगे थोड़ा। अभी गाइस आप देख पा रहे होंगे जो जो पेस्ट है उसको पकाया जा रहा है तेल में अभी। और गाइस अभी टमाटर की जो है प्यूरी बनाई जाएगी, तो टमाटर को जो है मिक्सर के अंदर डाला जा रहा है आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे टमाटर की जो प्यूरी है वो बन गई है, और अब इसके अंदर क्या मिलेंगे टमाटर की प्यूरी में, कुछ भी नहीं, मिर्ची विर्ची। अभी टमाटर की प्यूरी बना के जो है मसाले के अंदर डाल दी जाएगी, और गाइस इसको लाल होने तक पका लिया जाएगा ना। और गाइस ये बिल्कुल नई चीज़ आपने कभी कहीं देखी नहीं होगी, अंडे में छेद कर दिया जाता है जिससे जो है ग्रेवी जो है अंडे के अंदर भरा जाए। हमारी वाइफ का स्टाइल है खाली, तो ये स्टाइल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, खाली मेरी वाइफ जब सब्जी बनाती है जब देखने को मिलती है। तो गाइस अब जो टमाटर की प्यूरी है वो इसके अंदर डलने वाली है, और ये ग्रेवी मस्त ग्रेवी तैयार हो रही है अंडा कड़ी के आपके सामने बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। और देख लीजिए ग्रेवी मस्त तरीके से पकाई जा रही है और लाल की जा रही है। अब इसको कितने मिनट तक पकानी है टमाटर की ग्रेवी डाल के, 2 मिनट तक गाइस इसको पकाएंगे। तो गाइस अभी जिस मिक्सर में जो है वो पीसी थी, जिस मिक्सर में टमाटर और उसकी वो प्यूरी पीसी थी उसके अंदर जो है धनिया पाउडर डाल रहे हैं आप देख पा रहे होंगे,
और मिर्ची पाउडर डाल दिया है। तो गाइस आपके स्वाद अनुसार डालिए। आप चार जने की ग्रेवी में दो चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी और दो चम्मच धनिया डाल दिया गया है और नमक ऑलरेडी एक चम्मच डाल दिया गया है। ये जो है नमक और डाल दिया गया है ये मसाले में। तो गाइस दो एक मसाला तो हमने इसके अंदर पका के जो है तैयार कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो है नमक डाला गया, हल्दी डाली गई है और प्याज है और टमाटर की प्यूरी है। अभी इसे पकाया जा रहा है और ये अलग से जो है मसाला मिर्ची मसाला ऐड किया गया है। इसमें हल्दी, धनिया और गरम मसाला, नमक और मिर्ची। तो गाइस ये देख लीजिए इसके अंदर जो है मीट मसाला डाला जा रहा है, क्योंकि अंडा कड़ी है और मीट मसाले से बढ़िया मस्त वाला स्वाद आ जाता है। तो गाइस अभी ये जो पेस्ट बन रहा है अलग से नमक मिर्ची हल्दी धनिया और गरम मसाले का, और अभी इस पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे मसाले में। तो फिर कितनी देर तक पकाना है? 10 मिनट। तो गाइस ये जो मिर्ची मसाले का जो है मस्त स्वाद इसके अंदर आने वाला है, जो इसमें डाल दिया गया है, और इसे 10 मिनट तक पकाना है अभी, है ना। तो अभी 10 मिनट तक पकेगा ऐसे ही राउंड एंड राउंड होते हुए। तो गाइस ये ग्रेवी पक रही है, आप देख पा रहे होंगे अंडे की। अभी ये जो है इसे पकते पकते 5 मिनट हो गए हैं और इसी तरह ये 5 मिनट पकती रहेगी। और इसमें थोड़ा सा तेल मिला दिया जाएगा, ऊपर से डालना अलग। देख पा रहे हूँ ग्रेवी जो है पक गई, अब इसके अंदर अंडे जाएंगे। तो भाई ये ग्रेवी के अंदर जो है अंडे आ गए हैं, आप देख पा रहे हैं। और अंडे में जो हमने हमारी वाइफ ने जो छेद करे थे उसके कारण जो है ग्रेवी अंडे के अंदर तक घुस जाएगी। और इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे और चलाएंगे इसको, देख पा रहे होंगे आप। और आपको जितनी ग्रेवी रखनी उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। चार जने के हिसाब से हम इसमें कितना पानी डालते हैं? 2 घंटे 2 गिलास इसमें पानी डालते हैं हम चार जने के खाने के हिसाब से। 2 छोटे गिलास पानी डालते हैं इसमें। और इसे पकाना भी होता है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, क्योंकि पानी को जलाना होता है। बस तो गाइस आप इसे कितनी देर तक अब जलने देंगे पानी को? 10 मिनट। तो गाइस 10 मिनट पानी को जलाएंगे और फिर हमारी जो है अंडा कड़ी बनके तैयार रहेगा। तो गाइस देख पा रहे होंगे आप सब्जी जो है हमारी बन चुकी है। ये जो ग्रेवी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो गाइस ऐसा करते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तो हम अलग अलग जो है डिशेज बनाते हैं और उनके वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू। सब्जी बनने के बाद इस तरीके से निकाल ली जा रही है, सब्जी को अलग से बर्तन में आप देख पा रहे होंगे निकाल दिया गया है। और चार जन मन चल रहा है गाइस, आपकी इच्छा हो रही खाने की तो आप कमेंट कीजिए, आपको बना के जरूर खिलाएंगे हम। हमारे घर आइए, बिल्कुल वेलकम, और अंडे की सब्जी खाइए। तो गाइस फाइनली अब हमारा खाने का टाइम हो गया है, तो रोटी और सब्जी आ गई हमारी थाली में, इधर देख। तो गाइस अब हम खाना खा रहे हैं और हमारा बेटू जो है टीका लगा के आया तो बहुत रो रहा है, इसलिए इसे झूले में सुला रहे हैं और हमारा खाना जो है चल रहा है। रिव्यू देना चाहूँगा मैं मेरी वाइफ की बनाई हुई अंडा कड़ी का, 1 नंबर गाइस, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया।